डेली डेली के सभी दर्शकों को द डेली डेली की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप जिस तरह से द डेली डेली को अपना प्यार दे रहे उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द डेली डेली के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। द डेली फूड के इस स्पेशल शो में आज हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ान की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे कि इस तरफ एक कैसेट की दुकान है जहां पे रमज़ान मतलब के धार्मिक गानाएं मतलब के कवालियां बजी रही है। तो आज हम जामा मस्जिद के पास खड़े हैं और यहां पे आपको दिखाएंगे। अगर आप दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में सबसे ख़ास जगह जामा मस्जिद है, और रमज़ान के दिनों में तो ऐसा लगता है कि जैसा जामा मस्जिद की खूबसूरती पहले से बहुत बढ़ गई है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो रमज़ान के दिनों में किस तरह से होती है और किस तरह से चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करूँगा आज टोपी से, क्योंकि जब आप रमज़ान देखते हैं तो टोपी की बड़ी बिक्री बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि टोपी मतलब कि नमाज पढ़ने के काम आते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं पहले टोपी। तो पहले तो मैं आपको कुछ ख़ास टोपियाँ दिखाऊँगा कि इस बार रमज़ान में क्या ख़ास टोपियाँ है। तो ये मुझे कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि जब पिछली बार हम लोगों ने शो किया था तो वो अलग था, तो ये टोपी मुझे कुछ अलग लग रही है। अच्छा, ये इसकी क्या कीमत है? क्या कीमत है? 80 रुपये। ये 80 रुपये की टोपी, ये इसी वक्त मतलब इसी रमज़ान के लिए? अच्छा, ये कुछ बच्चों के लिए पगड़ी वगड़ी आई है, मैं पहन के कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा लग रहा हो। ये बहुत यूनिक है, ये छोटे बच्चों के लिए है। मैं आपको और कुछ शॉप्स पे ले चलता हूँ। खजूर है आगे, ये खजूर है, और भी बहुत सारे डिब्बे में बंद खजूर है। और खजूर जो है बहुत ज़रूरी भी है सेहत के लिए, और से इसमें खजूर में बहुत फ़ायदे हैं सेहत के लिए। तो आज हम जानेंगे कि रमज़ान के दिनों में खजूर की बिक्री किस तरह से बढ़ जाती है और इससे क्या फ़ायदे हैं। तो चाचा ये बताइए कि रमज़ान की तैयारियां शुरू हो चुकी है एकदम से, तो रमज़ान के दिनों में क्या खजूर की बिक्री बढ़ जाती है? जी बिल्कुल बढ़ जाती है बिक्री। अभी लोग क्या लेना पसंद करते हैं, किस तरह की खजूर है, सॉफ्ट वाली या बड़ी वाली? सॉफ्ट वाली भी लेते हैं, बड़ी वाली जिसकी जैसी पसंद हो वैसी लेकर जाते हैं। तो एक बहुत फेमस खजूर है अजवा, तो वो उसकी क्या कीमत होती है? उसकी खजूर की कीमत होती है 2400 रुपये किलो, अजवा खजूर जो मदीना शरीफ से आती है। तो आप जो है खजूर की शॉप पे आते हैं तो आप खजूर जो है अपने पसंद से ले सकते हैं, और खजूर के बिना रमज़ान मुकम्मल इसलिए नहीं होता है कि खजूर सुन्नत है और खजूर के साथ ही लोग जो है रोज़ा खोलना पसंद करते हैं। तो रमज़ान की जो ये ख़ास पेशकश है उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है रमज़ान की तैयारियाँ करते, किन किन चीज़ें आपके रमज़ान की तैयारियों में शुरू होते हैं, और ये खजूर की शॉप पर हमने जो है अब ये बताई कि आप रमज़ान में किस तरह से क्या खजूर लेना पसंद करते हैं। तैयारियां मुकम्मल तौर से शुरू हो चुकी है, तो इस बार आपके पास क्या क्या ख़ास होते हैं और रमज़ान के दिनों में क्या स्वाद बदलता है आपका? शाही फिरनी है, शाही लस्सी है, मिल्क बादाम है और दही बल्ले हैं। अच्छा, तो रमज़ान के दिनों में क्या टेस्ट में बदलाव आते हैं? ये कुदरती बहुत अच्छे टेस्ट हो जाते हैं। कुछ और क्वालिटी लेके आते हैं आप? नहीं, बस यही है, शाही फिरनी है, खीर, शाही लस्सी है, मिल्क बादाम है, दही बड़े हैं। तो यहाँ पे शाही फिरनी, शाही लस्सी और बादाम और दही बल्ले यहाँ पे हैं। रमज़ान के दिनों में ये जो है ना चीज़ें इफ्तार के बाद लोग लेना बड़ा पसंद करते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चूँकि रमज़ान की जो भी टेस्ट होते हैं उससे आपको रूबरू करा सकूँ, आपको दिखा सकूँ। तो मैं एक और फेनी की दुकान पर हूँ, यहाँ पर आप सेवई देख सकते हैं मेरे सामने, यहाँ पर कुछ सेवई है। ये कौन सी सेवई है भाई? अच्छा, मैदे की। और ये वाली? तो रमज़ान शुरू हो चुकी है, तो रमज़ान के बाद तो रमज़ान के दिनों में तो बहुत भीड़ होते होंगे? बिल्कुल, बहुत भीड़ होती है। अच्छा, तो रमज़ान के दिनों में और सेवैयाँ बढ़ेंगी यहाँ पे कि कुछ क्वालिटीज़ और आएंगे? कुछ क्वालिटीज़ और आएंगे अभी। अच्छा, तो हमने फेनी के दुकान पर जो है बात की कि रमज़ान के दिनों में यहाँ पे क्वालिटीज़ बढ़ते हैं, और चूँकि रमज़ान में ये चीज़ें ना बड़ी ख़ास होती है, आप इनको देखेंगे तो ये जब दूध में जाता है तो ये बिल्कुल से एक जैसा आप जो है टेस्ट स्वाद करेंगे। लोग सेहरी में और चूँकि इफ्तार के वक्त लेना बहुत पसंद करते हैं फेनी को, और ये बहुत ख़ास होता है। आम दिनों में इसका जब स्वाद होता है वो रमज़ान में बिल्कुल अलग होता है, और जब आप इसे रमज़ान में चखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। रमज़ान के दिनों में यहाँ जामा मस्जिद जब आते हैं आप, तो रमज़ान के दिनों में कुछ खास चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे वाटर मिलन शेक है, वाटर मिलन शेक आप बहुत जगहों पे देखे होंगे, मगर यहाँ पे चूँकि रुअफ़ज़ा के साथ है तो ये बिल्कुल अलग होता है, और मैं इनसे जानूंगा कि रमज़ान के दिनों में क्या भीड़ ज़्यादा होती है वाटर मिलन शेक को लेकर। अच्छा भैया, ये बताइए ये क्या है, मतलब किस क्या खासियत है आपके इस वाटर मिलन शेक की? डालू अंदर, प्यार भी पड़ा हुआ है इसमें, मोहब्बत भी पड़ी हुई है। अच्छा, तो रमज़ान गुल गुल होता है, रमज़ान के दिनों में भीड़ होती है? अल्लाह का शुक्र, बारे में भीड़ रहती है अल्लाह का शुक्र। तो रमज़ान के दिनों में कुछ अलग वैरायटीज भी लाते हैं? अल्लाह का पूरी बहुत मार्केट, अब तो मेरी वजह से काफ़ी लोग हो गए, बस मेरा भी क्या, देखो अब तो जानो
चलिए, तो रमजान की दिनों में जब आप जामा मस्जिद की तरफ आते हैं तो जामा मस्जिद की गलियों में जो है आप इस वाटर मिलन शेक को ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दिल्ली में जो है टेस्ट का जो सफर है वो किस तरह से जामा मस्जिद में यूं ही बरकरार है। अभी से आपको खाने का मन होगा, मैं बता दूं कि ये खजला सिर्फ रमजान के दिनों में आपको मिलता है और रमजान चूंकि एकदम तैयारियां मुकम्मल शुरू हो चुकी है और पूरा जामा मस्जिद और पूरा जामा मस्जिद दरियागंज का इलाका सज कर तैयार है, तो ये खजला है और ये खजला रमजान के दिनों में लोग सेहरियों में और अफ्तारियों में ज़रूर लेना पसंद करेंगे। अगर आप भी जो है खाना पसंद करते तो खजले को ज़रूर एक मरतबा जो है ट्राई करें। तो ये थी द डेली डेली की पेशकश, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।